हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे 1988 की फिल्मों की कि किस फिल्म ने कितना कलेक्शन किया और टॉप पर कौन सी फिल्म रही। तो दोस्तों, 1988 में जो टॉप फिल्में रही उनमें से पहले पायदान पर रही एन चंद्रन निर्देशित फिल्म तेजाब। इस फिल्म ने 8 करोड़ का कलेक्शन किया और ये ब्लॉकबस्टर साबित हुई। दूसरे नंबर पर सेमी हिट फिल्म शहंशाह रही। थर्ड नंबर पर हिट फिल्म 4,75,00,000 के साथ पाप की दुनिया रही। चौथे नंबर पर फिल्म रही कयामत से कयामत तक। और पांचवें नंबर पर कलेक्शन के हिसाब से फिल्म रही खून भरी मांग। वैसे इस साल बहुत सारी और भी फिल्में आई, जैसे कि हत्या और हमला, बहुत सारी और भी फिल्में आई, पर वो फिल्में टॉप 10 के लिस्ट में रही, टॉप 5 में नहीं। ये साल चंकी पांडे के लिए बहुत अच्छा रहा। उनकी तेजाब जिसमें उन्होंने सपोर्टिंग एक्टर का कैरेक्टर किया, बहुत ही अच्छा रहा। और पाप की दुनिया में भी वो सेकंड लीड थे, वो फिल्म भी सुपर हिट रही, हिट रही। और देखा जाए तो ये साल अनिल कपूर के लिए बेस्ट रहा, क्योंकि उनकी तेजाब बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई। माधुरी दीक्षित और आइकॉनिक सॉन्ग उनका 1, 2, 3, जो कि सरोज खान द्वारा डायरेक्ट किया गया था सॉन्ग, तो ये फिल्म बहुत ज़्यादा हिट रही, बहुत बड़ी हिट रही। और हाँ, इस साल ताहिर हुसैन ने अपने पुत्र, अपने बेटे को लॉन्च किया आमिर खान को, कयामत से कयामत तक, जिसमें उन्होंने जूही चावला को भी मौका दिया। वैसे जूही चावला इससे पहले सल्तनत फिल्म में आ चुकी थी, पर उनका सही डेब्यू इस फिल्म से हुआ। और खून भरी मांग की हम बात करते हैं। खून भरी मांग टॉप 5 में 5th नंबर पर रही। राकेश रोशन द्वारा निर्देशित ये फिल्म थी। इस फिल्म में कबीर बेदी रेखा की जोड़ी थी, और रेखा राकेश रोशन जी के साथ पहले भी काम कर चुकी हैं, और ये बॉन्डिंग उनकी इस फिल्म में भी दिखती है। तो दोस्तों ये रहा 1988 की फिल्मों का कलेक्शंस, और कौन सी टॉप पर रही आपको मैंने बता ही चुका है। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिएगा, पसंद आए